और गुजरात हाई कोर्ट के डायमंड जुबली समारोह को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्रीमान विक्रमनाथ जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, गुजरात हाई कोर्ट के सभी सम्मानित जजेज, भारत के सॉलिसिटर जनरल भाई तुषार मेहता जी, एडवोकेट जनरल गुजरात श्री कमल त्रिवेदी जी, बार के सभी सम्मानित सदस्यगण, देवी और सज्जनों, गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अने गुजरात ना सब वाला नागरिक भाइयों बहनों ने पण खूब खूब बधाई। पिछले 60 वर्षों में अपनी कानूनी समझ, अपनी विद्वत्ता और बौद्धिकता से गुजरात हाईकोर्ट और बार दोनों ने ही एक विशिष्ट पहचान बनाई है। गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए जिस कर्तव्य निष्ठा से काम किया है, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के लिए जो तत्परता दिखाई है, उसने भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों को ही मजबूत किया है। गुजरात हाईकोर्ट की इस अविस्मरणीय यात्रा की स्मृति में आज एक डाक टिकट जारी किया गया है। मैं इस अवसर पर न्याय जगत से जुड़े आप सभी महानुभावों को, गुजरात की जनता को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय, हमारे संविधान में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, या ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। आप सभी भी भली भांति जानते हैं कि भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने बाने का, हमारे संस्कार का आधार रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य की जड़ ही न्याय में है, रूल ऑफ लॉ में है। ये विचार आदिकाल से हमारे संस्कारों का भी हिस्सा रहा है। इसी मंत्र ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी नैतिक ताकत दी और यही विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान निर्माण के समय सबसे ऊपर रखा था। हमारे संविधान की प्रस्तावना रूल ऑफ लॉ के इसी संकल्प की अभिव्यक्ति है। आज हर एक देशवासी को गर्व है कि हमारे संविधान की इस भावना को, इन मूल्यों को
हमारी न्यायपालिका ने निरंतर ऊर्जा दी है, दिशा दी है। न्यायपालिका के प्रति इस भरोसे ने हमारे सामान्य से सामान्य मानवी के मन में एक आत्मविश्वास जगाया है, सच्चाई के लिए खड़े होने की उसे ताकत दी है। और जब हम आजादी से अब तक देश की इस यात्रा में जुडिशरी के योगदान की चर्चा करते हैं, तो इसमें बार के योगदान की चर्चा भी आवश्यक होती है। हमारी न्याय व्यवस्था की ये गौरवशाली इमारत बार के ही पिलर पर खड़ी है। दशकों से हमारे देश में बार और जुडिशरी मिलकर ही न्याय के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। हमारे संविधान ने न्याय की जो धारणा सामने रखी है, न्याय के जो आदर्श भारतीय संस्कारों का हिस्सा रहे हैं, वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है। इसलिए ये जुडिशरी और सरकार दोनों का ही दायित्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो मिलकर वर्ल्ड क्लास जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम खड़ा करे। हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो। आज न्यायपालिका की तरह ही सरकार भी इस दिशा में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। भारत के लोकतंत्र ने, हमारी न्यायपालिका ने कठिन से कठिन समय में भी भारतीय नागरिकों के न्याय के अधिकार को सुरक्षित रखा है। कोरोना वैश्विक महामारी के समय हमें इसका उत्तम उदाहरण फिर एक बार देखने को मिला है। इस आपदा में अगर एक और देश ने अपना सामर्थ्य दिखाया, तो दूसरी ओर हमारी न्यायपालिका ने भी अपने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण पेश किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने जिस तरह लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई करना शुरू कर दिया, जिस तरह एसएमएस कॉल आउट, मुकदमों की ई फाइलिंग और ईमेल माई केस स्टेटस की सेवा शुरू की गई, कोर्ट के डिस्प्ले बोर्ड की यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग शुरू की गई, हर दिन जजमेंट्स और ऑर्डर्स वेबसाइट पर अपलोड किए गए, इन सब ने यह सिद्ध किया है कि हमारा जस्टिस सिस्टम कितना एडेप्टिव है और न्याय के लिए उसके प्रयासों का विस्तार कितना ज्यादा है। मुझे बताया गया है कि गुजरात हाईकोर्ट तो इस दौरान कोर्ट प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भी पहला कोर्ट बना है और ओपन कोर्ट की जिस अवधारणा पर लंबे समय से चर्चा होती रही है, उसे भी गुजरात हाईकोर्ट ने साकार करके दिखाया है। हमारे लिए यह संतोष का विषय है कि कानून मंत्रालय ने ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन बोर्ड प्रोजेक्ट के तहत जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया था, उसने इतने कम समय में हमारे कोर्ट्स को वर्चुअल कोर्ट के तौर पर काम करने में मदद की। डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को
लीगल सैंक्टिटी मिलने के बाद से भी सभी अदालतों में ई प्रोसीडिंग में तेजी आई है। ये सुनकर हम सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। दुनिया में हमारे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कोविड के टाइम में ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई कर चुके हैं। केसेस की ई फाइलिंग, इसकी सुविधा ने भी ईज ऑफ जस्टिस को एक नया आयाम दिया है। इसी तरह आज हमारी अदालतों में हर केस के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड और QR कोड दिया जा रहा है। इससे न केवल केस से जुड़ी हर जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है, बल्कि इसने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की भी एक प्रकार से मजबूत नींव रखी है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के जरिए लॉयर्स और लिटिगेंट्स केवल क्लिक मात्र से सभी केसेस और ऑर्डर्स देख सकते हैं। ये ईज ऑफ जस्टिस न केवल हमारे नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा है, बल्कि इससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे विदेशी निवेशकों में ये भरोसा जगा है कि भारत में उनके न्यायिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। 2018 की अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने भी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की प्रशंसा की है। माननीय, आने वाले दिनों में भारत में ईज ऑफ जस्टिस और भी तेजी से बढ़े, इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी NIC के साथ मिलकर काम कर रही है। मजबूत सुरक्षा के साथ साथ क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं को शामिल करने पर काम हो रहा है। हमारे जस्टिस सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की संभावनाओं को भी, AI की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुडिशरी की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। इन प्रयासों में देश का आत्मनिर्भर भारत अभियान बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, सामान्य लोगों की मदद के लिए हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ई सेवा केंद्र भी खोले जा रहे हैं। हम सभी ने देखा है कि महामारी के इस कठिन समय में ऑनलाइन ई लोक अदालत भी एक न्यू नॉर्मल बन गई है। संयोग से ये गुजरात ही था जहां 35-40 साल पहले जूनागढ़ में पहली लोक अदालत लगाई गई थी। आज ई लोक अदालत समयबद्ध और सुविधापूर्ण न्याय का एक बड़ा माध्यम बन रही है। देश के 24 राज्यों में अब तक लाखों मुकदमे ई लोक अदालतों के में आ चुके हैं और उनका निपटारा भी हो रहा है। यही गति, यही सुविधा और यही विश्वास आज हमारी न्यायिक व्यवस्था की मांग है। गुजरात एक और बात के लिए भी अपने योगदान के लिए गर्व करता रहा है। गुजरात पहला राज्य था जिसने इवनिंग कोर्ट की परंपरा शुरू की थी और गरीबों की भलाई के लिए अनेक इनिशिएटिव लिए थे। किसी भी समाज में नियमों और नीतियों की सार्थकता न्याय से ही होती है।
न्याय से ही नागरिकों में निश्चिंतता आती है और एक निश्चिंत समाज ही प्रगति के बारे में सोचता है, संकल्प लेता है और पुरुषार्थ करके प्रगति की ओर बढ़ता है। मुझे विश्वास है कि हमारी न्यायपालिका, न्यायपालिका से जुड़े आप सभी वरिष्ठ सदस्य हमारे संविधान की न्याय शक्ति को निरंतर सशक्त करते रहेंगे। न्याय की इसी शक्ति से हमारा देश आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना हम सब अपने प्रयत्नों से, अपने पुरुषार्थ से, हमारी सामूहिक शक्ति से, हमारी संकल्प शक्ति से, हमारी अमर अविरत साधना से हम सिद्ध करके रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर डायमंड जुबिली की बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। आनंद थयो आज घना बधाने मळवानुं थयुं, अनेक जूना जूना मित्रोना चेहरा स्क्रीन पर जोई रह्यो छु, लांबा समय पछी जोई रह्यो छु, अनेक वडीलोना पण आजे दर्शन थई रह्या छे। खूब आनंद थयो बधाने, दूर दूर थी पण मळीने खूब खूब धन्यवाद।